हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोली यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट जो यहाँ पर आई है वो यहाँ पर IHB लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर निकाली गई है। IHB लिमिटेड जो कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड भारत पेट्रोलियम का जॉइंट वेंचर है, जिसके लिए यहाँ पर ये IHB है। ये तीनों ही जो इनके ये मेन कंपनीज है, इनके लिए यहाँ पर जो है इसका वर्क रहता है। तो इसी की तरफ से यहाँ पर जो है ये वैकेंसियाँ यहाँ पर निकाली गई है। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट यहाँ पर रहेगी, जिसमें मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, इंजीनियर, ऑफिसर्स आदि की जो है भर्तियाँ यहाँ पर रहने वाली है। तो भर्ती की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो वैकेंसी रहेगी वो यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती रहेगी, ओनली यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बेस पर, एंड यहाँ पर सीधी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बेस पर डायरेक्ट यहाँ पर जो है इंटरव्यू रहेगा, और इंटरव्यू के बेस पर सीधा यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इस हिसाब से देखें, और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसमें ज़रूर से अप्लाई करें। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप लोगों के लिए रहने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपको परमानेंट जॉब यहाँ पर मिल जाएगी बहुत ही अच्छी पोस्ट पर, अगर आप इसमें एलिजिबल रहते हैं तो। तो पोस्टों की बात करें हम सबसे पहले, तो यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट है, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है। मैनेजर की पोस्ट के लिए आपके पास जो है इन ब्रांचों से आपके पास 4 ईयर की फुल टाइम BTech डिग्री आपके पास होनी चाहिए, BE BTech, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिविल इंजीनियर्स यहाँ पर जो है मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पर अलाउ है। बाकी यहाँ पर इन्होंने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, टेलीकम्युनिकेशन आदि का यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है जो अपनी डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है, इसमें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिकल ब्रांच से यहाँ पर 13 वैकेंसी हैं, बाकी एक एक वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें भी आपके पास BE BTech होना चाहिए, बाकी 60% मार्क यहाँ पर सबके लिए कॉमन रहेगा, वो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन में होना ही चाहिए। तो वो चीज़ का आप यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखना, सभी यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है उसमें 60% मार्क यहाँ पर जो है कन्फर्म यहाँ पर आपके पास होने चाहिए। सीनियर इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 10, 18, 2, 20 और 4, 24 टोटल 24 वैकेंसी यहाँ पर जो सीनियर इंजीनियर के लिए है, उसमें भी आपके पास BE BTech यहाँ पर होना चाहिए आपके पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक एंड CS इंजीनियरिंग से, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। इंजीनियर्स की भर्ती आप देखें तो यहाँ पर भी सिविल इंजीनियर्स के लिए 6 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिक के लिए 60 एंड मैकेनिकल के लिए यहाँ पर जो है टोटल 26 वैकेंसी है। तो यहाँ पर तीनों ही ब्रांच वालों के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। BE BTech यहाँ पर मांगा गया है आपकी रिवेलेंट फील्ड से, यानी कि वही आपकी जो सब्जेक्ट है उससे, तो आप इसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ऑफिसर्स की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से टोटल यहाँ पर 113 टोटल वैकेंसियाँ यहाँ पर निकाली गई है, जिन पर यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती होगी। तो उसके हिसाब से अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो जो है आप इसमें ज़रूर से अप्लाई यहाँ पर करें। एज लिमिट यहाँ पर देख लें, जो अलग अलग यहाँ पर 4 तरह की पोस्टें हैं उनके लिए एज यहाँ पर कुछ इस तरह से रहेगी, जहाँ मैनेजर के लिए 42, डिप्टी मैनेजर की 40, सीनियर इंजीनियर की 35 एंड ऑफिसर्स एंड इंजीनियर्स की यहाँ पर 30 ईयर यहाँ पर होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आप इस डेट के हिसाब से यहाँ पर जो है मैच कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो 1/2/2023 है उसके हिसाब से वर्तमान आपकी जो जो कैपिटी, यानी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है एज की, वो यहाँ पर काउंट की जाएगी 1/9/2023 की डेट तक। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए वही बेसिक्स यहाँ पर जो है गाइडलाइंस है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इंडियन मतलब ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी वो पोजीशन आपको फील्ड ऑफिसर की इन स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश एंड अदर प्लेस एट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि आपकी जो पोजीशंस रहेगी वो कहाँ पर किस जगह पर आपको दी जा सकती है। तो यह सब ज्वाइनिंग के जॉब के बाद की बात है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर बाद में देखें। बाकी यहाँ पर जो इन्होंने ऊपर परसेंटेज की बात की थी 60%, उसमें जिन लोगों का CGPA DGPA जो स्कोर होता है उसके हिसाब से वो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वो परसेंटेज में यहाँ पर काउंट किए जाएंगे, और वही परसेंटेज के जो बेसिक से टर्म्स कंडीशन रूल है वो इन्होंने यहाँ पर बता रखे हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पर जो इन्होंने एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया यहाँ पर मांगा है वो आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख लें। मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। ये सारी की सारी फील्ड इन्होंने पूरी यहाँ पर मेंशन कर रखी है, इन इन फील्ड्स में आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। साथ ही डिजायरेबल में अगर आपके पास इनके जैसे कि ऑयल सेक्टर एंड गैस इंडस्ट्रीज में आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो इसी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट की बात है, इसमें आपको मोस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर मिल जाएगी। मैनेजर की पोस्ट के लिए भी यहाँ पर 10 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए।
तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एक्सपीरियंस है वो रिवेलेंट ब्रांचों में उस हिसाब से यहाँ पर चाहिए होगा। इसके अलावा डिप्टी मैनेजर के लिए 7 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए होगा। पूरी ब्रांचों की डिटेल आप इसमें देख सकते हैं कहाँ कहाँ आप जॉब चाहते हैं। यहाँ पर हर एक्सपीरियंस में यहाँ पर डिजायरेबल आप ज़रूर देख लें, क्योंकि डिजायरेबल एक्सपीरियंस आपके पास अगर है इनके हिसाब से तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट सिलेक्शन के टाइम पर इंटरव्यू के टाइम पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा जब भी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो यहाँ पर डिप्टी मैनेजर के लिए भी 7 ईयर का डिप्टी मैनेजर आप देख सकते हैं 7 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। आगे हम बात करें यहाँ पर सीनियर इंजीनियर की, तो सीनियर इंजीनियर के लिए मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है मांगा गया है। तो इस हिसाब से आप जो है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर जब आप एक्सपीरियंस के आधार पर भी एलिजिबल रहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मौका है ज्वाइनिंग करने का। तो आप एक्सपीरियंस का यहाँ पर आप देख लें, पोस्ट वाइज यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। जैसे सबसे बड़ी पोस्ट के लिए यहाँ पर जो 10 ईयर का एक्सपीरियंस था, लेकिन वो अब यहाँ पर इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए आप देखें तो मात्र यहाँ पर जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है आप अगर इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पर देखें तो। बाकी रिविलियन फील्डों की जानकारी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर जो मेन यहाँ पर जो था एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया वो यहाँ पर यही रहने वाला है, उसके हिसाब से ही जो है आप इसमें यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पर्सनल इंटरव्यू का जो है मेंशन किया हुआ है। 2 स्टेज में पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर होगा, जिसका जो भी यहाँ पर गाइडलाइन एंड जो तरीका होता है ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, किस तरह से यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह जो भी होगी कैसे क्या होती है वो यहाँ पर जो है इनके हिसाब से बाद में एक बार एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी हो जाए उसके बाद में डिसाइड कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स की संख्या रहती है उसके अकॉर्डिंग। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो यहाँ पर फिजिकली फिटनेस में यहाँ पर मांगी गई है आप पूरी तरह से यहाँ पर फिट होने चाहिए वैकेंसियों के लिए, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो उसमें किस तरह की जो एलिजिबिलिटी रहती है उसकी गाइडलाइन के लिए आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो है चेक कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के बाद की बात करें तो यहाँ पर जो है 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रहेगा। ज्वाइनिंग आपको कहाँ कहाँ दी जा सकती है उन सिटीज़ की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैलरी की देखें यहाँ पर तो अलग अलग पोस्ट वाइज बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सैलरी आपको मिल जाती है। तो जिसमें इंजीनियरिंग ऑफिसर की 7 लाख का CTC से लेके जो एनुअल यहाँ पर मैनेजर की है वो यहाँ पर 15 लाख तक की जो है सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप देख लें सैलरी वगैरह जो भी यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। अप्लाई आपको कैसे करना है, अप्लाई के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जाना होगा, जो यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप डायरेक्ट जाके भी अप्लाई कर सकते हैं IHBL.in की वेबसाइट पर, जहाँ पर वही बेसिक से डॉक्यूमेंट आप सबको पता ही रहते हैं क्या क्या यहाँ पर चाहिए होते हैं, जो उन सबको अच्छी तरह से आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर जो आपकी सैलरी स्लिप हो गई, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, उससे संबंधित सारी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं और इनके बताए गए अनुसार सारा जो है आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। बाकी इंटरव्यू वेन्यू डेट आदि सारी आपको टाइम से टाइम जो है मिलती रहेगी, तो उसके लिए आप जो है वेबसाइट के टच में बने रहें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहाँ पर भी जो है आपको यहाँ पर अपडेट मिलती रहती है। अच्छी बात यह है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार की कोई भी फीस आपको यहाँ पर नहीं देनी है, तो यहाँ पर आप जो है अप्लाई यहाँ पर बिना किसी फीस के यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फीस वाली भी जो है कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं है आप लोगों के लिए। तो बाकी यहाँ पर जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये डेट का यहाँ पर ध्यान रखें, 6/9/2023 को एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है जो कि 26/9/2023 तक चलेगी। बाकी यहाँ पर जो भी अगर कुछ बाद में अगर होता है बदलाव तो उसकी डिटेल आपको बाद में मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इनकी मेल आईडी पर इनसे संपर्क यहाँ पर कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इसी तरह से न्यू जॉब अपडेट एंड वैकेंसियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।